you welcome once again to to this this channel. channel If you have not subscribed, please subscribe to this channel now. शक्तिशाली मुगल भारत में तीन शताब्दियों से अधिक समय तक सत्ता में रहे एक ब्रिटिश घोड़सवार मेजर द्वारा मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया गया था इस एपिसोड में हम एक ऐसे व्यक्ति की गैर जिम्मेदाराना हरकत पर चर्चा करेंगे जिसने एक राजवंश और उसके उत्तराधिकारियों को नष्ट कर दिया अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को धोखा दिया और बूढ़े बादशाह के साथ बुरा बर्ताव किया विलियम हॉडसन द्वारा मुगल राजकुमारों की निर्मम हत्या अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 10 मई अठारह को मेरठ में शुरू हुआ ये 11 मई अठारह को दिल्ली पहुंचा 19 सितंबर अठारह को अंग्रेजों ने जवाबी कार्रवाई की और दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया मुगल बादशाह अपने परिवार सहित दिल्ली से भाग निकले मुगल बादशाह बहादुर शाह ने परिवार के सदस्यों के साथ हुमायूं के मकबरे में शरण ली विलियम स्टीफन राइक्स हॉडसन तेईस साल की उम्र में ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए उन्होंने पहले सिख युद्ध और दूसरे सिख युद्ध में सेवा की 1855 में एक पठान प्रमुख की मनमानी गिरफ्तारी के लिए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था गाइड्स के एक नए कमांडर ने अठारह में हॉडसन को वापस ड्यूटी पर ले लिया जिससे उसे 2,000 हज़ार अनियमित घोड़ों की एक रेजिमेंट बनाने का अधिकार मिला हॉडसन ने भारतीय विद्रोह के दौरान इस यूनिट की कमान संभाली थी विलियम हॉडसन ने अपनी यूनिट के 50 घोड़सवारों के साथ बहादुर शाह जफ़र को पकड़ने के लिए स्वेच्छा से भाग लिया था विलियम हॉडसन ने जनरल आर्चडेल विल्सन से अनुमति प्राप्त की होटसन विद्रोही सिपाहियों के इलाके से गुजरे और उन्हें हथियार डालने का आदेश दिया लगभग 6000 सिपाहियों ने बिना किसी प्रतिरोध के अपने हथियार डाल दिए। अंग्रेजों ने एक गद्दार की मदद से बहादुर शाह को पकड़ लिया 21 सितंबर अठारह को विलियम स्टीफन राइक्स होटसन ने बहादुर शाह को अपनी जान बख्शने का वादा करते हुए पकड़ लिया होटसन को दो शानदार तलवारें सौंपकर सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया एक तलवार पर नादिर शाह का नाम था और दूसरी पर जहांगीर की मुहर खुदी हुई थी बाद में जहांगीर की तलवार हॉटसन की विधवा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भेंट की गई राजकुमारों ने सुरक्षा की गारंटी की मांग करते हुए हॉटसन के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था 22 सितंबर अठारह को हॉटसन ने राजकुमारों को बिना शर्त गिरफ्तार कर लिया हुमायूं के मकबरे के पास हजारों की संख्या में विद्रोही जमा हो गए थे राजकुमारों को एक बैलगाड़ी में सेना के संरक्षण में दिल्ली भेजा गया विद्रोहियों को निर्वस्त्र कर दिया गया नगर द्वार पर पहुंचकर हॉडसन ने राजकुमारों को बैलगाड़ी से उतरने का आदेश दिया शहर के प्रवेश द्वार के पास भीड़ जुटने लगी बहादुर शाह के बेटे मिर्जा मुगल और मिर्जा खिग्र सुल्तान और पोते मिर्जा अबू बकर उनके शीर्ष वस्त्र उतार दिए गए होडसन ने अपने एक सैनिक से हथियार लिया और उन्हें गोली मार दी ये नहीं तो की हत्या थी। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बहुत कम शाही परिवारों ने अंग्रेजों की कठोरतम सजा को सहा है राजकुमारों के शवों को एक पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शित किया गया इसे वहां जनता और सिपाहियों के देखने के लिए छोड़ दिया गया था उस जगर को खूनी दरवाजा के नाम से जाना जाता है हॉडसन की कार्रवाई विवादास्पद थी कुछ ब्रिटिश अधिकारियों और सांसदों ने हत्याओं की आलोचना की हॉडसन को जनरल ह्यूग गॉफ जैसे कई वरिष्ठ सैन्य कमांडरों से प्रशंसा मिली हॉडसन की ब्रिटिश प्रधानमंत्री और भारत के राज्य सचिव द्वारा प्रशंसा की गई थी होडसन के सेवा रिकॉर्ड से पता चलता है कि उन्होंने अक्सर मनमाना व्यवहार किया था और पहले भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा नागरिक कर्तव्यों से हटा दिया गया था होडसन ख्याति का आनंद लेने के लिए अधिक समय तक जीवित नहीं रहे 11 मार्च अट्ठारह को लखनऊ में होडसन ने अपनी रेजिमेंट के साथ बेगम के महल पर धावा बोल दिया जब वह किले में दाखिल हुआ तो सिपाहियों ने उसे गोली मार दी 12 मार्च अठारह सौ अट्ठावन की शाम को हॉडिसन को लामाटिन लखनऊ के बगीचे में दफनाया गया था हॉडिसन वह व्यक्ति था जिसने मुगल वंश को समाप्त कर दिया था अगर आपको यह एपिसोड दिलचस्प लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें भारतीय इतिहास के भूले हुए और अनकहे पलों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड If you like this video, please subscribe to this channel to know the unknown stories of Indian history.